हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था हेयर कलर थ्योरी का, वो था हेयर कलर लेवल्स, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है हेयर कलर थ्योरी पार्ट 7, और टॉपिक है इसमें अंडरटोन्स। हम लोग के जो आप लोगों ने जो पहले पढ़े थे हेयर कलर लेवल्स नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, मैं आपको इसमें शो शेड कार्ड में ये देखे, जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ये 10 कलर्स जो होते हैं, नेचुरल कलर्स भी कहलाते हैं, ये लेवल्स होते हैं। वर्ल्ड वाइड हमारी जो पूरी दुनिया है, इनमें इस तरह के 10 रंगों के बाल मौजूद है, ठीक है। जिसमें से नंबर 1 और नंबर 2 है हमारा, वो ऑलमोस्ट अफ्रीकन हेयर्स पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, ये जो कलर्स हैं मोस्टली नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 भी एशियन टोन्स होते हैं, ठीक है। नंबर 6 भी पाया जाता है, बट इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 10, ये हमारे यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं, ओके। अब जो है इन कलर्स के कुछ अंडर टोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने अपना प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स पढ़ा था, वो इन इन शेड्स में मौजूद होते हैं। अब वो किस तरह से मौजूद होते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उसे हम अंडर टोन्स कहते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे हमारे अंडर टोन्स की। तो जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के शेड्स हैं, वो हमारे इन कलर्स में पाए जाते हैं। अब वो किस तरह से और कितनी क्वांटिटी किसमें ज्यादा या कम होती है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, और वो अंडर टोन्स कहलाती है, ठीक है। लेवल्स की अंडर टोन्स कहलाती है, ठीक है। होप आपको अंडर टोन समझ आ गया होगा कि अंडर टोन्स क्या होता है, ठीक है। और अब मैं अंडर टोन्स किस तरह से लेवल्स में पाया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, ओके। ये देखें, ये देखें, तो जब हमने लेवल्स पढ़ा था, तो हमारा सबसे नंबर 1 लेवल था, वो था हमारा ब्लू ब्लैक। नंबर 2 था ब्लैक। नंबर 3 था डार्क ब्राउन। नंबर 4 था मीडियम ब्राउन। नंबर 4, नंबर 5 था ब्राउन या लाइट ब्राउन। नंबर 6 है डार्क ब्लॉन्ड। नंबर 7 है मीडियम ब्लॉन्ड। नंबर 8 है ब्लॉन्ड। लाइट ब्लॉन्ड है, ठीक है। नंबर 8 है लाइट ब्लॉन्ड। नंबर 9 है वेरी लाइट ब्लॉन्ड। और नंबर 10 है हमारा लाइटेस्ट ब्लॉन्ड या वेरी लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, ओके। अब देखिए, अब हम इसके अंडरटोन्स देखते हैं कि इसमें अंडरटोन्स किस तरह से पाए जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि लेवल नंबर 1 है ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही, ब्लू शेड के हिसाब से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर अंडरटोन जो होगा वो होगा ब्लू, ठीक है। ब्लू ब्लैक का जो अंडरटोन आता है वो आता ही ब्लू है, ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, ओके। इसके बाद नंबर 2 है ब्लैक। तो ब्लैक में दो तरह के अंडरटोन्स होते हैं, एक होता है ब्लू और दूसरा होता है रेड, ठीक है। जो हमारा इस तरफ अंडरटोन आएगा ना, कलर आएगा, वो ज्यादा पाएगा। जैसे अगर ब्लू और रेड है, तो इसमें ब्लैक में ब्लू ज्यादा है और रेड कम है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है नंबर 3 पे, डार्क ब्राउन का लेवल। नंबर 3 लेवल है, डार्क ब्राउन कलर है, और इसमें जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है रेड प्लस ब्लू, ओके। इसमें रेड ज्यादा है और ब्लू कम है, और हमारे ब्लैक में ब्लू ज्यादा है और रेड कम है, ठीक है। जो भी कलर इस तरफ लिखा जा रहा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमेशा याद करना है, और ये चीजें हमें बाय हार्ट करनी है। जैसे हम अपने स्कूल्स वगैरह में अपने लेसन याद करते थे ना, ये हमें याद करना है, ओके,
ठीक है। और एक बार ये चीजें दिमाग में जहन नशीन हो गई, सारी जिंदगी हो जाती है। जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हमें ये चीजें बहुत काम आती है। ओके, अब जैसे मीडियम ब्राउन है तो मीडियम ब्राउन का जो अंडर टोन है वो आ जाता है रेड, ठीक है। आप जब किसी मीडियम ब्राउन वाले बाल को देखोगे तो आपको उसमें रेडिश टोन ज्यादा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो उसमें रेड टोन बहुत ज्यादा मौजूद होता है, ओके। और अब आ जाता है नंबर 5 पे हमारे पास ब्राउन। तो जो हमारा ब्राउन बाल होता है इसमें हमारे पास रेड भी होता है और ऑरेंज भी होता है, बट रेड हमारे पास ज्यादा होता है और ऑरेंज हमारे पास कम होता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पर हमारे पास आ जाता है डार्क ब्लॉन्ड, ओके, डार्क ब्लॉन्ड। तो डार्क ब्लॉन्ड में हमारे पास आ जाता है ऑरेंज ज्यादा हो जाता है और रेड हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मीडियम ब्लॉन्ड। तो जो मीडियम ब्लॉन्ड है इसमें हमारे पास आ जाता है ऑरेंज, ठीक है, सिर्फ ऑरेंज। आप देखोगे जो बहुत मीडियम होता है ब्लॉन्ड उसमें ऑरेंज का टोन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऑरेंज शेड आया होता है तो वो ऑरेंज टोन होता है, उसमें सिर्फ ऑरेंज का पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब हमारे पास आ जाता है लाइट ब्लॉन्ड। तो जहां पे हमारे पास लाइट ब्लॉन्ड आता है इसमें ऑरेंज का अंडरटोन होता है प्लस येलो, ठीक है, ऑरेंज इसमें ज्यादा होता है और येलो इसमें कम होता है। और जो वेरी लाइट ब्लॉन्ड होता है इसमें हमारे पास आ जाता है येलो ज्यादा और ऑरेंज कम, ठीक है। और जो लाइटेस्ट ब्लॉन्ड होता है इसमें हमारे पास आ जाता है येलो, ओके। ये हमारे होते हैं अंडरटोन्स, ठीक है। ब्लू ब्लैक में ब्लू, ब्लैक में ब्लू प्लस रेड, डार्क ब्राउन में रेड प्लस ब्लू, मीडियम ब्राउन में रेड, ब्राउन में रेड प्लस ऑरेंज, डार्क ब्लॉन्ड में ऑरेंज प्लस रेड, मीडियम ब्लॉन्ड में ऑरेंज, लाइट ब्लॉन्ड में ऑरेंज प्लस येलो, वेरी लाइट ब्लॉन्ड में येलो प्लस ऑरेंज एंड लाइटेस्ट ब्लॉन्ड में येलो, ओके। तो ये हमारे अंडरटोन्स होते हैं हमारे हेयर कलर्स में। जो कंपनीज हमारी ट्यूब्स बनाती है उसके अंदर इस शेड के हिसाब से ये वाले अंडरटोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं एक बार बता देती हूँ तो आपको शायद याद हो जाए। जैसे ये हमारा नंबर 1 कलर है तो इसमें ब्लू का अंडरटोन बहुत ज्यादा है। इसके बाद ये नंबर 2 है तो नंबर 2 वाले में ब्लू भी है और रेड भी है, ओके। फिर नंबर जो 3 है, नंबर 3 में भी रेड और ब्लू दोनों है लेकिन इसमें रेड ज्यादा है और ब्लू कम है, ओके। फिर हमारा नंबर 4 आ जाता है तो नंबर 4 वाले में हमारे रेड का अंडरटोन बहुत ज्यादा होता है। फिर हमारा नंबर 5 आ जाता है तो नंबर 5 में रेड के साथ ऑरेंज भी मौजूद है लेकिन रेड पहले आता है तो रेड ज्यादा है और फिर ऑरेंज है, ओके। फिर नंबर 6 आ जाता है तो नंबर 6 का जो अंडरटोन है वो ऑरेंज और रेड है, ठीक है, लेकिन ऑरेंज इसमें ज्यादा है और रेड इसमें कम है। फिर नंबर 7 आ जाता है, नंबर 7 में हमारे पास ऑरेंज ज्यादा आता है, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 8 आ जाता है तो नंबर 8 में आके आप देखो शेड थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें येलो भी ऐड हो जाता है तो ये लाइट पे चला गया है, दिख रहा है आपको, ये लाइट पर हो गया क्योंकि इसमें येलो मौजूद है तो ऑरेंज के साथ इसमें येलो आ जाता है लेकिन इसमें ऑरेंज ज्यादा है और येलो कम है, ठीक है। फिर हमारा नंबर 9 है तो नंबर 9 में येलो ज्यादा है, अब देखो ये थोड़ा सा और येलो इस पे चला गया है तो इसमें येलो ज्यादा हो गया है और ऑरेंज कम हो गया है, ठीक है। फिर ये नंबर 10 है और नंबर 10 में जो है ये हमारे पास पूरा येलो हो गया है तो इसमें येलो के अंडरटोन ज्यादा होते हैं। अब ये अंडरटोन्स हमें पता है क्यों याद करने, जब हम हाइलाइट्स करते हैं, लो लाइट्स करते हैं या किसी का बेस कलर चेंज करते तो जब हमारे पास बालों के लेवल्स मौजूद होते हैं ना, अगर मेरे पास कोई 5 नंबर का बाल आ रहा है, ठीक है, अगर मेरे पास अब यहाँ पे एशिया में हम रहते हैं तो हमारे पास नॉर्मली 3-4-5 लेवल्स के बाल आते हैं। अब मैं देख रही हूँ मुझे पहले तो ये शेड कार्ड के थ्रू अपने ये कलर्स को याद करना है, अगर मुझे एक अच्छा कलरिस्ट बनना है तो, ठीक है, कि नंबर 1 पे कैसा शेड होगा, नंबर 2 में कैसा शेड होगा, ये हमें देख देख के याद होगा, हमें शेड कार्ड को बार बार देखना है, ठीक है, ताकि हमें कलर जो है हमारी आंखों में बस जाए वो कलर शेड कार्ड्स के, ठीक है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आता है तो मैं अगर एक अच्छी कलर स्टोर प्रोफेशनल हूं तो मैं बार बार शेड कार्ड नहीं खोलूंगी उसके सामने, ये तो एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड लगेगा। अगर मुझे प्रोफेशनली बनना है तो मुझे इन चीजों को अपने अंदर बसाना है, अपनी आंखों के अंदर कैप्चर कर लेना है, ठीक है। मेरे पास जैसे कोई क्लाइंट आता है और उसका लेवल का 5 का बाल है, अब वो ये चाह रहा है कि मुझे 10 लेवल की वो चाहिए, हाइलाइट्स चाहिए, ओके। अब मैं पहले तो ये देखूंगी कि 5 लेवल का बाल है और इसके अंडरटोन्स क्या है, ठीक है। अब इसमें तो मुझे रेड भी बहुत सारा मिलेगा और इसमें मुझे ऑरेंज भी बहुत सारा मिलेगा तो मुझे हाइलाइट्स करने ये वाले तो मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ ये कलर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर रेड और ऑरेंज ऑलरेडी बहुत सारा है और मैं इस लेवल तक नहीं जा सकती हूँ।
ठीक है, या एश तक नहीं जा सकती। जैसे आजकल लोगों की डिमांड है, उन्हें सिल्वर कलर चाहिए, उन्हें एश कलर चाहिए, तो मैं वहां तक नहीं जा सकती। इसीलिए मुझे ये लेवल्स पता होने चाहिए कि बालों के लेवल्स क्या है और किस लेवल्स में कौन से रंग का अंडरटोन ज्यादा है या कम है। तो अगर हमें ये मालूम होगा तो हम अपना हाइलाइट्स, लो लाइट और बेस कलर का रिजल्ट बहुत ऑसम ला सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी। जिसको जो समझ नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ ले। मेरा इंस्टा पे अकाउंट है, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हो, वहां पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज की क्लास यहीं तक थी, जज़ाकअल्लाह।